हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। सो NHM हरियाणा की तरफ से द स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा ने 787 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ की है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। सो डिटेल में यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पे वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस आती है, प्लस अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में हैं, कोई भी करियर रिलेटेड कोर्स देखना चाहते हैं, तो वो सारे वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे 787 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वैकेंसी, और यहाँ पे आप मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको एक ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। ठीक है, तो सबसे कम वैकेंसी फरीदाबाद में है, एक ही वैकेंसी है यहाँ पर, और आपका झज्जर में भी है एक ही वैकेंसी। इसके अलावा जो मैक्सिमम वैकेंसी है वो भिवानी में है एंड कैथल में है, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे फतेहाबाद में है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगा। ठीक है, तो आगे हम बाकी डिटेल्स देखते हैं। सो बेसिकली ये जो वैकेंसी है ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द NHM हरियाणा। और बाकी जो एप्लीकेशन डेट है वो आपका 20 मार्च से स्टार्ट होगा और 6 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहेगी। आपका यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन होना है वो 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा एट चंडीगढ़ पंचकुला। ठीक है, तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ामिनेशन के एक दिन पहले ही आपका जो भी मोबाइल नंबर है या जो ईमेल आपने दिया है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे आपको यह ईमेल और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना पड़ता है। तो जो भी रजिस्टर्ड होगा उसी पे आपको SMS के थ्रू आपको फाइनली जो भी आपका वेन्यू होगा, एक्चुअल वेन्यू और जो सेंटर हो, टाइम होगा, वो आपको एक दिन पहले ही इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो कोई फिज़िकल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे ही जाके चेक करना होगा। सो ये सारी डिटेल आपको एग्ज़ामिनेशन के एक दिन पहले ही मिलेगी। बाकी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 24 अप्रैल को ही होगा। ठीक है, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग एंड साइनिंग फॉर द श्योरिटी बॉन्ड जो है उसके लिए 17 मई लास्ट डेट है। ठीक है, मतलब 2 से 17 मई आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे बाकी और भी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपने BAMS किया है, BSc नर्सिंग किया है, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है, इन तीनों में से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 6 मंथ्स के आपके पास ट्रेनिंग किया है आपने, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स प्राइज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस फ्रॉम IGNOU और एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट के द्वारा असाइन किया गया हो। ठीक है, ये यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, आपकी एज लिमिट 18 to 42 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिल जाता है एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल, और ये फर्स्ट आपकी एसेंशियल है। सेकेंड जो एसेंशियल चीज़ है वो ये है कि आपकी 10th लेवल तक, यानी कि मेट्रिकुलेशन लेवल तक, या तो हिंदी या फिर संस्कृत लैंग्वेज होना कंपलसरी। इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज 10th लेवल तक अगर है तो आप एलिजिबल हो। बाकी अगर यहाँ पर हम सेलेक्शन की बात करें, तो अगर आप सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे, तो आपको विद इन 2 मंथ्स ज्वाइनिंग के बाद रजिस्टर्ड करना होता है खुद को रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हरियाणा और हरियाणा स्टेट नर्सेस एंड नर्स मिडवाइफ्स काउंसिल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका है। और मंथली अगर हम सैलरी की बात करें, तो जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे सैलरी थोड़ा सा वेरिएट करेगी। स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी रहेगी वो 25,000 रहेगी, एंड इसके अलावा जो अलाउंसेस होती है वो तो आपको मिलेगी यहाँ पे 6,250 रुपीज़ प्लस 18,750 रुपीज़ कंप्लीट आपकी सैलरी रहेगी, जो कि 25,000 होगा। और यहाँ पे आपको जो अलाउंसेस दी जाएगी, बेसिकली हर साल आपका 5% का इंक्रीमेंट होगा आपके सैलरी में। अगर एक साल आपका लाइक फर्स्ट ईयर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस रहती है आपकी, तो नेक्स्ट ईयर आपका 5 ईयर इंक्रीज होगा आपके सैलरी में। एंड इसी तरीके हर साल आपका 5 ईयर आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगी। इसके अलावा आपका जो डियरनेस अलाउंसेस है ये आपको तब दिया जाएगा जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हाउस रेंट अलाउंस होगा
वो आपको 10 साल बाद दिया जाएगा, ठीक है। तो सारे अलाउंसेस फर्स्ट ईयर से ही आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपको कुछ ड्यूरेशन में मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 रुपीज़ रहने वाली है पर मंथ, ठीक है। और फीस डिटेल की हम बात करें तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सिर्फ 100 रुपीज़ आपको पे करनी है। बाकी किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं 50 रुपीज़ आपको पे करनी है। ऑनलाइन मोड में आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और कोई डाउट है आपको इस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, डेफिनेटली कॉमेंट कीजिए। अदर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन आपका जो होने वाला है यहाँ पे, उसके लिए मैं आपको बता दूँ, जो आपका कोर्स रहेगा BAMS BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, उससे जो सिलेबस है या उससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं अप टू 60% आएगा। एंड बाकी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से आपके 10% क्वेश्चंस होंगे। एंड रिप्रोडक्टिव, मेटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ, एडोल्सेंस एंड जितने भी NHM के अंदर प्रोग्राम्स आएंगे उन सभी से रिलेटेड आपके अप टू 10% क्वेश्चंस होंगे। बाकी MLHP कोर्स में आपके 10% क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। और यहाँ पे MCQ बेस्ड, OMR बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इस PDF का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। अभी तक अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन या फिर डाउट के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।